आज काफी गंदा पानी मटमेला आ रहा है पाटन का। अच्छा वो उन्हीं का, आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, कहाँ है ऊपर को कट रहे हैं यहाँ पर पेड़। विभाग की टीम यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ है कि यहाँ पर सुबह 10 बजे से शादी भी हो रहा है। यहाँ पर को डाइवर्ट कर दिया गया है, फिर भी जो आप देख पा रहे, देखो बीच से तक पूरा रोड भर गया काठ गोदाम का। एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है एक अनदर वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर के काठगोदाम एरिया से। काठगोदाम का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से ठीक से आपसे वीडियो बना रहे हैं। आज यहाँ पर कट रहे हैं पेड़, पेड़ों का पातन हो रहा है। पेड़ जो कटेंगे उनको काट के दूसरे को शिफ्ट किया जा रहा है, जो यहाँ पर शिफ्ट करने वाले पेड़ हैं, और जो नहीं करने वाले हैं उनको काट के एकदम जो यहाँ पर रोड प्रधिकरण का काम हो रहा है उसके तहत यहाँ पर पेड़ कटिंग हो रही है। और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर कितने वाहन खड़े हैं लाइन में कतार पे। काठगोदाम में यहाँ पर अभी बहुत तगड़ा जाम है, देखिए यहाँ पर छोटे से लेके बड़ी गाड़ी तक यहाँ पर जाम में फंसे हुए हैं। हालांकि रूट डाइवर्ट कर दिया गया था इनको बोलने के बाद भी, फिर भी यहाँ ये साइड से ये गाड़ियाँ चल रही हैं। बारिश अभी यहाँ पर काठगोदाम में हो रही है, मैं हल्का फुल्का भीग रहा हूँ बारिश में, फिर भी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी आगे दिखाते हैं आपको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है पेड़ों की कटिंग का, सारा कुछ हम आपको यहां पर बता रहे हैं। अभी मैं ठीक यहां पर पहुंच चुका हूं काठगोदाम के रेलवे स्टेशन पे। आप ये देख पा रहे होंगे यहां पर ये है काठगोदाम का रेलवे स्टेशन, और इसके ऊपर का क्षेत्र में जरा आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर कट रहे हैं पेड़, ये देखिए आपको मैं ज़रा दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ पर पेड़ों को काटा जा रहा है, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है, काफ़ी ट्रैफिक को यहाँ पर बंद कर दिया गया है। आपको मैं ज़रा नीचे को दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए काफ़ी लंबा जाम है, काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गाड़ियाँ हैं ऊपर को कट रहे हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग की टीम यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर लगातार काटा जा रहा है पेड़ों को। तो अभी यहाँ पर ठीक जो आर्मी का रेस्ट हाउस है उसके ठीक बाहर का जो पेड़ है वो कट चुका है। यहाँ पर पहले वो वाला पेड़ कट गया था, अभी ये जो बड़ा वाला पेड़ था ये काट दिया गया है। ये देखिए आपको मैं ज़रा दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पेड़ कट गया है। यहाँ पर रोबोट है, रोबोट की मदद से यहाँ पर पेड़ को काटा जा रहा है। ये साइड का भी लगभग रोड चौड़े का काम लगभग क्लियर हो चुका है, यहाँ तक पूरा लगभग क्लियर हो गया है। नीचे तक खाली एक पान की दुकान आ रही है वहाँ पर, बाकी यहाँ पर रोबोट कर रहा है यहाँ पर कंटिन्यू काम। ये देखिए आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ, पहले ही यहाँ पर आपको समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित कर दिया गया है कि यहाँ पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक लाइट पूरा नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पेड़ों का चल रहा है पातन काठगोदाम में। काठगोदाम से मैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए मौसम थोड़ा आज एकदम बारिश का जैसा हो रहा है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। यहाँ पर हमारे भाई साहब है, सर कितने पेड़ कटेंगे यहाँ पर? अच्छा वो वाला या ये सामने वाला? सामने वाला। अच्छा ये पोल की ये वाला, ये वाला दोनों आम के पेड़? एक आम का, एक नीम का। और जो ऊपर जो मंदिर वाले जो दो पेड़ है पाखड़ के वो बाद में कटेंगे? अच्छा, कितने समय तक अभी रहेगा ये बाधित? अच्छा अच्छा, अभी इसको थोड़ा बहुत ट्रैफिक खोलेंगे आप? तो गाइस यहाँ पर जो हमारे जो कर्मचारी थे उन्होंने बात करी है, थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रैफिक खोलेंगे और उसके बाद यहाँ पर काम चलेगा, फिर से यहाँ पर पेड़ कटिंग होगा। ये देखिए नोट भी हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लाइव कट रहा है, ये देख सकते हैं आप एकदम डायरेक्ट ट्रक में यहाँ पर पड़ा जा रहा है। और ये साइड से बिल्कुल यहाँ पर, पहली बात तो ऊपर से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, फिर भी जो छुटमुट लोग हैं यहाँ पर जो गलियों से निकलते हैं यहाँ काठगोदाम से वहाँ से अभी यहाँ पर खोल दिया गया है। ये देखो खोल दिया है, थोड़ा बहुत अभी ट्रैफिक को यहाँ पर सुचारू करेंगे। ज़्यादा तो ट्रैफिक है नहीं, हल्के फुल्के जो लोकल के लोग हैं वही लोग यहाँ पर हैं, और नीचे से ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ हैं। और इधर को ज़रा मैं दिखा देता हूँ, देखिए बिजली के तारे वगैरह सब यहाँ पर हटाई गई है ताकि यहाँ पर काम करने में कोई दिक्कत ना हो। देखो पोलों से सारे तार उतारे हैं, ये देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ तक दीवार लग गई है, देखो यहाँ तक दीवार आ गई है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ तक लगभग दीवार आ गई है, और यहाँ पर ये पेड़ भी कटना है। देखो ये वाला जो आपको मैं पेड़ दिखा रहा हूँ ये पेड़ भी यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि ये रोड के बाहर आ रहा है यहाँ पर, ये देखो। तो अभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ट्रैफिक है, ये देखिए ये लाइन पूरा क्लियर हो गया, छोटे-मोटे जो पेड़ है ना ये सारे कट जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद वो सामने वाला पेड़ भी कट रहा है। ये देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये वाला पेड़ भी यहाँ से कटेगा। अब यहाँ पर ट्रैफिक खोल दिया है, रोबोट को एकदम साइड में रख दिया है। ठीक सामने ये जो ISBT है उसके पीछे वाला क्षेत्र दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऊपर को ISBT आ जाता है, सामने कुमाऊं निगम का जो क्षेत्रीय कार्यालय जो है बस स्टेशन का वो है, उसके सामने कट रहे हैं यहाँ पर
भीड़ देखो, एक ट्रक तो पूरा भर दिया गया है यहाँ पर। ये देख लो आप, ये देखो पेड़ कट रहे सर यहाँ पर आज। पेड़ तो यार तीन कटेंगे यहाँ, तीन कटेंगे। हाँ पेड़ तो ये जैसे दो साल है। कहाँ पर जैसे कितने पेड़ शिफ्ट हो गए आपके? पेड़ शिफ्ट हो रहा तो हम लोग नहीं जानते, कार्यक्रम तो अलग अलग है। हमारा जो काम है क्लियर पेड़ गिराना है। अच्छा, आपका सिर्फ पेड़ गिराना है, शिफ्टिंग का आपका नहीं है? पेड़ गिराना, पेड़ को उठा के ले जाना, ले जाना भाई, इतना ही काम है सर। अच्छा, तो यहाँ कितने पेड़ और आ रहे हैं ये एरिया में? पेड़ तो तीन है यहाँ पे आज के दिन में, तीन काटोगे? तीन देखो, ये तो मौसम का है, समय का भी है, लाइन भी चालू करनी है, क्या होता है इसी पेड़ के बाद। अच्छा, और जो ये सामने वाले जो पेड़ दिख रहे हैं वो कब काट रहे हो आप? ये जो सामने ये दिख रहे हैं पाखड़ के पेड़, ये सब डायमंड है। अच्छा, वो शिफ्ट होंगे? काटना काम तो आपका ही रहेगा ना, पातन का? अच्छा, वो उन्हीं का, वो गैंग अलग है। अच्छा अच्छा, तो अभी हल्द्वानी में लगभग कितने पेड़ कट चुके हैं आपके संज्ञान में? इतना तो हम लोग गिनती नहीं, अनुमानित होती है लगभग 45-50 पेड़। 45 से 50 पेड़ लगभग कट गए हैं। चलो धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे फॉरेस्ट विभाग जो अधिकारी थे उन्होंने जरा बताया मोटा मोटा कि 45 से 50 पेड़ लगभग कट गए हैं। इनका काम सिर्फ यहाँ से पेड़ों को काटना है और यहाँ से हटाना है, बाकी शिफ्टिंग का काम कुछ अलग डिपार्टमेंट के पास है, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। अभी शिफ्टिंग कहाँ होंगे वो मैं आपको बताऊँगा, जहाँ ये पेड़ लगेंगे उसकी भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, पूछ के कि भी कहाँ पर ये पेड़ लगाए जा रहे हैं या नहीं लगाए जा रहे हैं, वो भी आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ पर आने वाले समय में दिख जाएगा। अगर यहाँ पर बारिश होती है तो काम को यहाँ पर रोक देंगे, अगर बारिश नहीं होती है तो फिर यहाँ पर चलता रहेगा, मगर अभी बारिश हो रही है यहाँ पर, मुझे लगता नहीं कि अभी ज़्यादा काम होगा यहाँ पर। काम हो गई है जबरदस्त बारिश, बारिश के बीच यहाँ पर पेड़ कट रहे थे तो अभी पेड़ का पातन का काम यहाँ पर बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं काठगोदाम में अभी यहाँ पर काफ़ी बारिश है, काफ़ी ज़ोर से यहाँ पर बारिश हो रही है, काम यहाँ पर रुक गया है, क्योंकि जब यहाँ पर बारिश रुकेगी तो उसके बाद ही यहाँ पर होगा। पेड़ भी एक आध कट रहे हैं, अब नहीं कटेंगे यहाँ पर, लोग बिल्कुल रेनकोट वगैरह नहीं ले गए हैं। तो ट्रैफिक ना, ट्रैफिक तो यार आप पूछो मत, ट्रैफिक देख रहे हो आप, ट्रैफिक बिल्कुल इतना ट्रैफिक है आप देख पा रहे हो, देखो पीछे तक पूरा रोड भर गया काठगोदाम का। देखें आप, यह है रेलवे स्टेशन काटा, उसके ठीक सामने का ये देखो। तो काठगोदाम में थोड़ी सी बारिश, मैंने देखो जो यहाँ पर ये आर्मी का रेस्ट हाउस है उसके बगल वाली गली से कितना गंदा पानी आता है। देखो यहाँ पर ना बिल्कुल गाड़ियाँ डूब जाती है, देखो कितना गंदा पानी आ रहा है और नीचे से गड्ढा भी है, देखो एकदम से यहाँ पर पानी भर जाता है। आप ये देख पा रहे होंगे बहुत दिनों के बाद यहाँ पर थोड़ा बारिश हुई है तो आज काफ़ी गंदा पानी मटमेला आ रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पर लोगों को चलने में, पता नहीं कहाँ से आ रहा है इतना गंदा पानी है। तो अभी बारिश लगभग थोड़ा हो ही रही है, लगभग चल रहा है यहाँ पर, और ये साइड का देखो ना यहाँ पर यार बहुत गंदा पानी आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर काठगोदाम में ना जरा सी भी बारिश में यहाँ पर लगभग पूरा नाला वगैरह यहाँ पर भर जाता है। और यहाँ पर ये कुछ दिन के बाद यहाँ पर जो आपको ये होटल वगैरह ये सारे ये जो दिख रहे हैं ये भी लगभग कुछ दिन बाद यहाँ पर हटने वाले हैं। तो ट्रैफिक अभी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, पानी तो आप देख रहे होंगे एकदम टकाटक बह रहा है यहाँ, ये देखिए, ये देखो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, रेनकोट वगैरह भी रखे हुए हैं। और यहाँ पर मिल रहे हैं ब्रेड पकौड़े, समोसे, कैसे दे रहे हो ब्रेड पकौड़ा? फ्री है समोसा? 10 रुपये के, सही चल रहा है काम? ठीक चल रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है? और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर, जिस तरह यहाँ पर जब बारिश होती है तो काफ़ी पानी भर जाता है, क्या कारण है? पानी का, पानी तो भरता ही है यहाँ पर, क्यों भरता है यहाँ पर? ये नाला में नहीं जाता, नाला तो खाली जा रहा है, ऊपर बह रहा है, आगे से कट जाता है ना पानी तो रोड पे आ जाता है। अच्छा, तो दुकानदारी कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है। बारिश कितनी दिन बाद हुई? कितने दिन बाद हुई बारिश? आज आज बारिश हुई है, 4 दिन बाद। बहुत दिन बाद ना, गर्मी बहुत हो रही थी ना। चल अभी यहाँ का क्या चल रहा है फिर, हटाओ बचाओ अभियान? अभी तो क्या चल रहा है, यहाँ पेड़ कट रहे हैं, उसके बाद होगा जो भी। चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, बाद में करते हैं बात, अभी बारिश हो रही है ना। तो देखो यहाँ पर गरम गरम पकौड़े मिल जाएंगे और यहाँ पर गंदा पानी भी बह रहा है आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पर लोगों के कैरेट वगैरह भी बह गए हैं, देख रहे हो आप, भाई लोग भीग रहे हैं बारिश में, काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है यहाँ पर, ये देखिए। और वो साइड का ज़रा मैं दिखा देता हूँ, ये जो रेलवे की जो ये दुकानें किराए पर लगी हुई है ना, ये जो सारी जो दुकानें दिख रही हैं ये रेलवे की भूमि पर है, रेलवे इनसे किराया लेता है, तो ये भी यहाँ पर बहुत जल्द अतिक्रमण की जद में आएगा और ये भी यहाँ से टूटेगा। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बारिश बहुत तेज़ होगी है यहाँ पर, ये देख रहे हैं, पहले रेलवे निकल रहे थे, उतना गंदा पानी आ रहा है यहाँ से लेके वहाँ तक, पहाड़ों को बहुत ज़्यादा बारिश है भाई। वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आपको, अगर आप पहाड़ों को जा रहे हैं ना कैसी धाम उगरा, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल ना जाए नहीं, बारिश में बहुत खतरा है आपको।
समझ रहे हो भाई। में देखो फूड रोड एकदम तगड़ा गया, सब्जी सब सब्जी तो अभी सस्ती चल रही है, फिर भी उतनी सस्ती नहीं चल रही है। काठ गोदाम में क्या चल रही है सर, सब्जी का भाव ठीक ठाक, ज़्यादा महंगी नहीं, मतलब 40 रुपये किलो तक का चल रहा होगा, 40 रुपये किलो एवरेज लगभग चल रहा है। और ये कैसे चल रहे हैं ये नाशपाती, 100 का डेढ़ किलो, ज़्यादा महंगे दे रहे हो यार। कैसे चल रहा है फिर, काम ठीक चल रहा है? चलो ठीक है। तो यहाँ पर बारिश के समय में ना काम थोड़ा यहाँ पर मद्दा चल जाता है। देखो ये पानी देख रहे हो तुम, ये नाला बिल्कुल खाली बह रहा है मगर रोड पे ज़्यादा पानी है यहाँ पर। ये देखिए रोड पे पानी बह जाता है भाई, ये बहुत बदबूदार पानी है, अभी बहुत बदबू आ रही है पानी से, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। देखो मैडम भीग गई है, यहाँ छाता भी नहीं लाए हैं, यहाँ से देखो थोड़ा सा निकासी है तो थोड़ा बहुत जा रहा है पानी, बाकी यहाँ पर कोई निकासी नहीं है। ये देखिए आगे तक यहाँ पर ट्रैफिक है, अब यहाँ पर काम लगभग नहीं होगा, अगर बारिश होगी तो बिल्कुल। यहाँ पर काठगोदाम में बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है और ज़्यादा लोगों से तो मैंने बातें करी नहीं, खाली थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर दिखाया। अभी वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना। पेड़ों का पातन हो रहा था, पेड़ कटिंग हो रही थी, एक दो पेड़ कटे हैं, अब लगभग शायद ना नहीं कटेंगे क्योंकि बारिश हो गई है। बारिश में ना काम करना बहुत नामुमकिन है क्योंकि मशीन में पानी घुस जाता है तो नहीं कर पाएंगे काम, तो अभी काम होगा नहीं, अगले दिन यहाँ पर काम होगा। अभी और क्या कार्रवाई होनी है सारा कुछ हम आपको बताएंगे, सारा कुछ अपडेट हम आपको यहाँ से देने वाले हैं। बारिश का मज़ा लीजिए, काफ़ी गर्मी यहाँ पर पड़ रही थी तो मैं भी बारिश का मज़ा लेता हूँ, आप वीडियो का मज़ा लो घर बैठे बैठे, चाय की चुस्के के साथ, पकौड़ों के साथ, नाश्ते के साथ, खाने के साथ, जैसे भी आप देख रहे हो, जहाँ से भी देख रहे हो आपका दिल से धन्यवाद। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, काठगोदाम से बाय बाय।